वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद, और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे मसल्स के बारे में, इनकी तादाद कितनी होती है, इनके फंक्शंस कौन कौन से हैं और मसल के हिस्से कौन कौन से हैं, और इसके साथ साथ फ्लैशी बैली, टेंडन, लिगामेंट्स में फर्क क्या होता है। तो सबसे अगर हम पहले बात करें मसल्स की, तो मसल जो के माउस से निकला है, मस जिसकी शक्ल एक चूहे की तरह होती है, यानी कि जो आगे से बारीक, दरमियान से मोटा और पीछे से फिर एंड पे वो फिर बारीक होता है। तो चूहे की अगर आप शक्ल देखें तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये मसल्स होते कितने हैं? तकरीबन 650 प्लस मसल जो हैं डिफरेंट साइड के ऊपर, डिफरेंट डाटा है, कहीं पे 656 है, कहीं पे 680 है, कहीं 650 है। तो आप कह सकते हैं कि 650 प्लस मसल जो है इंसानी बॉडी के अंदर। अब इनके काम क्या है? इनके काम है जी, जैसे बहुत सारे काम है, आपकी जितनी भी मूवमेंट है, आपकी हरकत सारी की सारी ये मसल्स के मरहूने मिन्नत है। इसके साथ साथ ये डिफरेंट ऑर्गन्स को मजबूती फ्राहम करते हैं, जैसे चलना है, बोलना है, खाना है, पीना है, या इसका फंक्शनिंग पकाना है, सारे के सारे ये तमाम काम आपके मसल्स करते हैं। मसल्स को आपकी बॉडी के की लेबर भी कहा जाता है, आपके जिस्म के मजदूर भी हैं, सारे का सारा काम वो करते हैं। अब मसल हैं कौन कौन से? अगर हम मसल्स की बात करें तो, अगर हम बैक साइड के मसल्स की बात करें तो लैटिमस डार्सी है, दाएं बाएं हरकत, आगे पीछे हरकत इन मसल की बदौलत होती है। और इसी तरह अगर हम चेस्ट मसल की बात करें, ये पेक्टरल्स मेजर्स हैं, जिस्म की आगे की तरफ या जिस्म को किसी चीज को खींचना है, ये उसमें मदद करते हैं। इसी तरह ये सीने को ऊपर की तरफ दबाने में मदद फ्राहम करते हैं। अगर हम बाजों के मसल्स की बात करें तो, जैसा कि आपको पता है, बाइसेप मसल्स हैं, ट्राइसेप मसल्स हैं। इसी तरह अगर हम पेट के मसल्स की बात करें तो इनका काम, मरकजी काम, पेट को मजबूत करना है और उसकी हरकतों का तयन करना है। अगर हम टांगों के मसल्स की बात करें तो हैमस्ट्रिंग मसल जो है, बैक साइड के मोटे मसल्स हैं, ये इनका काम जो है पसलियों के मदद से झकावटी हरकतों जो हैं उनमें तावन करना है। इसी तरह क्वाड्रिसेप्स मसल जो है, वो रान के सामने वाले मसल्स हैं, ये भी डिफरेंट किस्म की आपकी जो मूवमेंट है उसमें आपको मदद फ्राहम करते हैं। असल में इनका काम ये है कि सबसे बड़ा काम तो मसल्स का है मूवमेंट, हरकत करना, जैसे चलना है, झुकना, उठना, बैठना, ये सारी की सारी मूवमेंट है। इसी तरह बाज़ जगहों पे ये इस्तेहकाम पैदा करता है, यानी स्टेबिलिटी, अज़लात जो है वो जोड़ों को स्टेबिलिटी फ्राहम करते हैं, मसलन पेट के अज़लात जिस्म को मजबूत करते हैं। इसी तरह जो मसल्स, कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक फंक्शन जिसकी है, दिल के अज़लात जो है वो क्या करते हैं, दिल को पंप करने में और खून को सारे जिस्म में मुंतकिल करने में मदद देते हैं। इसी तरह हीट प्रोडक्शन के अंदर भी मसल्स का बड़ा अहम किरदार है, ब्लड सर्कुलेशन भी ये सारी की सारी उजलात की बदौलत ही मुमकिन है। और आखिरी हिस्सा जो हमारा था कि मसल, टेंडन और लिगामेंट के अंदर क्या फर्क है, तो मसल के तीन हिस्से हैं, ओरिजिन है, इंसर्शन, फ्लैशी बैली या दरमियान वाला मोटा हिस्सा, और एंड वाला हिस्सा जो है वो टेंडन है। अब टेंडन और लिगामेंट अक्सर यही पूछा जाता है, इसमें फर्क क्या है? टेंडन मसल का वो आखिरी हिस्सा है जो हड्डी के साथ जुड़ा होता है, और लिगामेंट हमेशा जॉइंट के ऊपर होते हैं, जो कि उस जॉइंट की रेंज ऑफ मूवमेंट का तय करते हैं कि वो जॉइंट जो है वो कितनी मूवमेंट तक हरकत कर सकता है। और उससे अगर ज्यादा, अगर किसी में इंसीडेंट, एक्सीडेंट या किसी भी वजह से ज्यादा हरकत करेगा तो ऐसी सूरत में वो लिगामेंट टूट सकते हैं, उनमें स्ट्रेन हो सकती है, डिफरेंट स्प्रेन हो सकती है डिफरेंट तरह की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्ट्रेन एंड स्प्रेन और भी जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं इससे रिलेटेड उनको भी डिस्कस